Hello everyone, welcome to my channel Ghar Se Gurukul. Today's topic in Ghar Se Gurukul is Count Function in Microsoft Excel. Count Function क्या होता है Microsoft Excel में और इसके कितने parts होते हैं पहले ये जान लेते हैं. तो Count Function in Microsoft Excel is used to count number of cells used in three ways. तीन तरीके से हम Count Function को use करते हैं, देखते हैं कैसे. फर्स्ट इज काउंट. तो कहने का मतलब ये है कि काउंट फंक्शन के तीन पार्ट्स हैं या तीन फॉर्मूलाज हैं, जिसमें सबसे पहला है काउंट. तो जब हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी विल काउंट सेल्स विद न्यूमेरिकल वैल्यूज. हम जितना भी अपनी सेल सेलेक्ट करेंगे, उन सेल्स में से जितनी भी सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो हम पता कर सकते हैं काउंट का फॉर्मूला लगाकर. Right. Next part of count function is count A. Here in count A, A stands for all. Means जितना भी एक स्क्रीन पर हमारा डेटा है, हम जितनी भी सेल्स सेलेक्ट करेंगे, उन सेल्स में it will count total number of cells having data. जितनी भी सेल्स में डेटा होगा, be it numerical or alphabetical. उतना हमारे काउंट ए डज नॉट काउंट द सेल्स विच आर ब्लैंक. ओके. एंड थर्ड पार्ट ऑफ काउंट फंक्शन इज काउंट ब्लैंक. एज इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इट विल काउंट ब्लैंक सेल्स. तो ये हमें बता देगा कि हमारी कौन कौन सी सेल्स ब्लैंक रह गई हैं, किन सेल्स में अभी हमें काम करना बाकी है. ओके. तो चलिए एक एक्सेल शीट खोल कर देखते हैं कि हम ये सब फंक्शंस किस तरह कर सकते हैं एक्सेल में. तो ये हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुली हुई है एंड इट सेज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद टोटल मार्क्स ऑब्टेंड. यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनके सीरियल नंबर और टोटल मार्क्स जितने हर पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिले हैं. अब हमें फाइंड आउट करना है काउंट, यानी कि इस पूरे डेटा में कितने सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं. काउंट ए यानी कि हमारे पूरे डेटा में कितनी सेल्स हमने यूज़ की हैं. और काउंट ब्लैंक, इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई सेल्स ऐसी तो नहीं रह गई है जिसमें हमारा डेटा लिखना रह गया है. विथ सेल्स आर ब्लैंक है, यानी कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, वी हैव टू फिल दो सेल्स एज वेल. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं काउंट. फॉर्मूला है इक्वल्स टू, बिकॉज वी आर फाइंडिंग काउंट सो वी विल राइट count bracket and we will select our data, all the cells and bracket close. Enter करेंगे 28. So total number of cells having numerical data is 28. Now count A or all. Find out करते हैं equals to count A. Bracket open. Select your data, close and enter. 46. हमारे पूरे डेटा में जितनी सेल्स में हमने कोई भी डेटा एंटर किया हुआ है, यानी कि इतनी 46 is the number of cells having data. Count blank equals to count blank. ब्रैकेट ओपन. अगेन वी विल सेलेक्ट आर रेंज, ये हो गई हमारी रेंज. ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 2. सो इट सेज हमारे पूरे डेटा में हमने जितनी रेंज सेलेक्ट की थी, रेंज मतलब हम जिस सेल से लेके जिस सेल तक अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया उसमें 2 सेल्स ऐसी हैं जो अभी तक खाली हैं, यहाँ और यहाँ. That's all on Ghar Ka Gurukul today. Please like, share and subscribe for more interesting videos. Thank you so much.